केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार देर शाम हमीरपुर बाजार में घूमकर शहर के लोगों को 5 अक्टूबर को बिलासपुर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए निमंत्रण दिया। अनुराग ठाकुर ने दुकान दुकान जाकर लोगों को पीएम रैली में आने का न्योता दिया। उनके साथ भाजपा के लोगों की टीम भी शामिल रही। अचानक से अनुराग ठाकुर के हमीरपुर बाजार पहुंचने पर लोग जहां हैरान हो गए, वहीं कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। मीडिया से रूबरू होते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज केंद्र और प्रदेश के गवर्नर की सरकार ने हिमाचल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि जब भी प्रधानमंत्री को हिमाचल आने का निमंत्रण दिया गया, उन्होंने दिल से इसे स्वीकार किया है और यहां आकर लोगों को अपना आशीर्वाद दिया है। इस बार भी करोड़ों रुपए की सौगातें हिमाचल को उद्घाटनों के जरिए देंगे। ठाकुर ने लोगों से कहा कि वे प्रधानमंत्री की इस रैली में जरूर आए। हिमाचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अपनेपन का रिश्ता रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम लोगों का हालचाल भी पूछा। उनके साथ विधायक नरेंद्र ठाकुर, जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार, दर्जी व्यापार मंडल के सदस्य, जिला भाजपा के पदाधिकारी, हमीरपुर मंडल के भाजपा पदाधिकारी खास तौर पर मौजूद रहे। 1500 करोड़ की लागत और एक वर्ल्ड क्लास सुविधा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला बिलासपुर में पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए मिलेगी। ये नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ, उनका आभार प्रकट करता हूं। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, एनटीपीसी, एनएचपीसी के माध्यम से 37.5 करोड़ प्रेम कुमार धूमल जी ने शुरुआत की दिलाने की। मोदी जी की सरकार आई तो मिले और वो बनकर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से वो तैयार हुआ है, वो भी हमारे युवाओं के लिए मिलेगा। मेडिकल कॉलेज एम्स में होगा, नर्सिंग कॉलेज होगा, बहुत बड़ी सुविधा है। और नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, देवभूमि जिसको अपना दूसरा घर मानते हैं। लोगों में उत्साह है, हमीरपुर में आज मैं बाजार में हूँ और यहाँ पर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आप बिलासपुर पहुँचे लूणू मैदान में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जी, ये जो इलेक्शन हमने लगातार पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने चहुमुखी विकास हिमाचल प्रदेश का किया है। अब तो उद्घाटन हो रहे हैं, मोदी जी ने शिलान्यास किया, मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, नहीं तो पूर्व की सरकारों को देखो, 5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी कई बार 5-5, 10-10 साल नहीं बनते थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी और किया भी, यही डबल इंजन की ताकत है।